हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ हेल्दी और टेस्टी गुजराती थेपले की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं बिना देरी करते हुए थेपले की रेसिपी। सबसे पहले मैंने मेथी को धोकर साफ कर लिया है। आइए इसको बारीक काट लेते हैं। एक बर्तन में मैंने गेहूं का आटा लिया है 2 कप। 3 चम्मच लिया है बेसन। 1/2 कटा हुआ मैंने धनिया डाल दिया है। ये मैंने बारीक मेथी को काट लिया था, ये डाल देंगे हम। लहसुन हरी मिर्च का ये देखिए दरदरा सा पेस्ट बनाया था, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी हमने थोड़ी ही डालनी है। स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। ये गरम मसाला मैंने 1/2 चम्मच के करीब डाल दिया है। अजवाइन मैंने 1/2 चम्मच ऐसे हाथों से ऐसे मसल कर डाल दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसका एक डो बना लेते हैं। डो हमने बिल्कुल इसका सॉफ्ट बनाना है, जैसे हम रोज आटे को ऐसे गूंदते हैं ऐसे ही इसको भी गूंद लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही इजी है और स्वादिष्ट है, आप इसको कभी भी बनाकर ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए डो हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार है। अब हम इसमें चिकनाई ऐसे लगा देंगे कि डो हमारा सॉफ्ट बना रहे। आइए अब हम एक बर्तन में इसको रख लेते हैं। हम इसको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं देंगे गाइस, इसको तुरंत ही आपने बनाना है। आपको जितना साइज चाहिए आप लोई लेकर ऐसे पेड़ा बना लीजिए, बिल्कुल रोटी की तरह इसको बेलते हुए तैयार कर लीजिए। ये बहुत ही इजी है गाइस, ये बिल्कुल भी टूटता नहीं है। ये देखिए ये बहुत ही जल्दी रोटी ऐसे तैयार हो जाती है बेलकर। अब हमने ऐसे ही बनाकर 5-6 रोटियां रख लेनी है। इधर तवा हमारा गर्म हो गया है। आइए अब हम थेपले को ऐसे बना लेते हैं। तवा बिल्कुल गर्म होना चाहिए गाइस। ये देखिए अब हम इसको पलट देते हैं एक तरफ से। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नाश्ता बनता है गाइस, आप इसको नाश्ते में लंच में कभी भी बना सकते हैं। अब हम इसमें ये देखिए घी लगा देते हैं ऐसे पलटते हुए। ये बहुत ही इजी है गाइस, इसको आप कभी भी बनाकर देख लीजिए। ये देखिए थेपले हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं। ये बिल्कुल ये देखिए कुरकुरे से ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक थेपला हम ऐसे फिर बना लेते हैं। गैस की आंच को आप मीडियम ही रखें। ये देखिए ऐसे हम घी को ऐसे लगाते हुए बना लेंगे। आप इसको देसी घी में या रिफाइंड तेल में किसी में भी आप इसको बना सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है गाइस। ऐसे ही हम एक एक करके थेपलों को ऐसे ही बना लेंगे। एक एक करके हम सभी थेपलों को ऐसे ही बनाकर रख लेंगे गाइस। तो गाइस थेपले हमारे बनकर तैयार हैं। आइए अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये दही मैंने ली है, टमाटर की चटनी ली है, ये बटर मैंने ले लिया है। तो गर्मा गर्म गाइस थेपले बनकर तैयार है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।